प्ले कर रहा है मैच मेकर का। और सयूरी और चीरू की शादी करवाना चाहता है, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि मंदिर में, वो भी भागकर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों। कान्हा ने कसम खाई है कि वो किसी भी हालत में चीरू और सयूरी की शादी करवा के रहेगा। इसलिए कान्हा दोनों को मंदिर ले जाता है, लेकिन सयूरी और चीरू शादी करने से ही मना कर देते हैं। नहीं, ये रास्ता सही नहीं है। हम शादी करेंगे तो माँ के हाँ कहने पे नहीं करेंगे। ऐसे ही करेंगे, लेकिन ये सब करके ना उनकी बद्दुआएं नहीं लेंगे। जबरदस्ती की शादी से किसी को खुशी नहीं मिलती है कान्हा। जिंदगी भर कीमत नहीं चुकानी इस शादी की। दोनों कहते हैं कि परिवार की मंजूरी के बिना वो दोनों शादी नहीं करेंगे। फिर भी कान्हा दोनों को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करता है। पर तूने माँ के बारे में सोचा कि उनपे क्या गुजरेगी? वो हमें कभी माफ नहीं करेंगी। चीरू भैया, वो आपसे बहुत प्यार करती है। थोड़े दिन तक बुरा रहेगा तो भूल जाएंगी, मान जाएंगी तब हम शादी करेंगे। आदमी का मतलब नहीं होता है। अगर आपने एक बार शादी कर ली ना तो माँ कैंसिल नहीं कर पाएंगी, और अगर शादी नहीं करके 2 साल तक उन्हें मनाते रहे ना तो वो नहीं मानेंगी। इसीलिए मैं मानता हूँ रास्ता टेढ़ा है, लेकिन कान्हा की एक बात भी वो लोग नहीं सुनते और ये शादी नहीं होती है। कान्हा का तो पूरा प्रयास असफल रहा। अब आने वाले एपिसोड्स में देखना होगा कि क्या चीरू और सयूरी की शादी होती है या नहीं, और अगर होती है तो इसमें कितने सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं।